फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे ड्रिप मेथड के बारे में। बिल्कुल सीधा है, ऊपर कैसे करते हैं। ड्रिप मेथड करने के बारे में तो सभी बहुत लोगों ने आपको बताया होगा, बहुत सारी वीडियोस भी आपने देखी होगी, ट्रेनिंग भी ली होगी, लेकिन मैं कुछ डिफरेंट बताने वाली हूँ और बहुत ईजी तरीका, जिससे कि अगर आपका रेगुलर हो तो भी अगर आप मेथड कर रहे हो कोई भी दिक्कत नहीं हुई, बहुत मिलेगी, बहुत अच्छी क्या करना। तो आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रेट मेथड के बारे में। तो हम लोग अगर डायरेक्ट मेथड करते हैं स्ट्रेट मेथड तो क्या होता है, डायरेक्ट अगर हम लोग सीजन उठाते हैं और यहाँ से कटिंग स्टार्ट करते हैं तो कई बार हमारी कटिंग ऐसी हो जाती है, दूसरे में देखने में पता नहीं चलता, बट एक दो वॉश के बाद कस्टमर को पता चलता है, फिर वो बोलते हैं कि अपने हेयर कट कहाँ से कराया था। कटिंग कई बार हम लोग कोशिश करते हैं किस तरीके से कराया था, हम का यू या फिर टी साइड से कट करो तो ऐसे आ जाता है। तो आज मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीका बताऊँगी कि स्ट्रेट हेयर कट करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे आप करेंगे बिल्कुल परफेक्ट आएगा। सबसे पहले बात यही कि हम लोग स्ट्रेट हेयर कट कर रहे हैं तरीका का तो वो कमेंट करके जरूर बताएगा, और नेक्स्ट टाइम और भी अच्छे से डिजाइन की कोशिश करेगा।